नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम वकील आपका में। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करते हैं कानून संबंधी समस्याओं को लेकर। यदि आपकी भी कुछ समस्या है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आपकी तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए, आपके सवालों के जवाब देने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ उपस्थित है सीनियर एडवोकेट धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम। नमस्कार। नमस्कार, आगे बढ़ेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जिस तरह से नए नियमों में बदलाव आया है सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स को लेकर, उसको लेकर मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को जानकारी दें। देखिए, भारतीय संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लाभ हर नागरिक को मिलता है, उस लाभ का दुरुपयोग भी बहुत ज़्यादा होता है इस सोशल मीडिया के माध्यम से या डिजिटल नेटवर्किंग के माध्यम से। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो आईटी एक्ट में नए रूल्स 2021 का प्रादुर्भाव किया, यानी उनका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो नए लॉज बनाए, उन लॉज की आवश्यकता इंडिया में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में, ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी ज़रूरत है। क्योंकि जो ये सोशल नेटवर्किंग की कंपनीज हैं, जैसे एक ही कंपनी की तीन सोशल नेटवर्किंग साइड हैं, हम बात करते हैं फेसबुक की, व्हाट्सएप की, इंस्टाग्राम की, तो ये एक ही कंपनी से रिलेटेड हैं। इसी प्रकार यूट्यूब और जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों का भी अपना अपना जो वर्किंग का अभी तक एक प्रोसेस था, उस प्रोसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट का या भारतीय संविधान का कोई भी आधिपत्य नहीं था, कोई भी कंट्रोल नहीं था। तो ऐसी स्थिति में जब कंट्रोल नहीं होता है तो निश्चित रूप से कंपनियाँ अपने मनमर्जी के माफिक अपने कानून बनाती हैं और उन कानूनों का वो अनुपालन भी करती हैं। जिस तरीके से ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म या जो और डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं वो करते रहे हैं, चाहे उसमें किसी के अभिव्यक्ति की बात हो, चाहे उसमें मूवीज़ बनाने की बात हो, चाहे उसमें किसी भी तरह के अपने विचारों को डालने की बात हो, ये सारी जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों का कहीं ना कहीं कंट्रोल इनमें होना बहुत आवश्यक था। और उन कंट्रोल को करने के उद्देश्य से ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने आईटी एक्ट में जो प्रोविजंस नए आए हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए अपना प्रोसेस किया। इस सब्जेक्ट पर कई लोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी गए, यानी कंपनी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी गई कि हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमारी निजता पर कहीं ना कहीं ये एक प्रतिबंध लगाने का प्रयास है। ये निश्चित रूप से कंपनियों का जो अपना विचार है वो उचित नहीं है, क्योंकि जो सामान्य तौर पर सोशल साइट्स को देखा जाता है उसमें लोग कहीं फ़ोटो ऐसी डालते हैं जिससे किसी का अपमान हो, कहीं पर इस तरह के विचार डालते हैं जिससे किसी का अपमान हो, इस तरह के वीडियोज़ डालते हैं जिससे किसी का अपमान हो या किसी की निजता में हस्तक्षेप हो। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से इस जो सोशल मीडिया की जो भी साइट्स हैं, जो भी मेल हैं या जो भी वर्किंग प्लेटफॉर्म हैं, उनमें एक कंट्रोल इंडिया के अंदर होना आवश्यक था। और उसी कंट्रोल को करने के लिए आईटी एक्ट में जो नए रूल्स को इम्प्लीट करने के लिए 2021 लाया गया, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर यह भी दर्शकों को जानना आवश्यक है कि इसका प्रभाव क्या है। इसका प्रभाव आम नागरिकों के लिए बिल्कुल भी नकारात्मक नहीं है, यानी निगेटिविटी नहीं है इसमें। निगेटिविटी इसलिए नहीं है कि जो रूल्स हैं उन रूल्स में दो तरीके से कंट्रोल करने के लिए लॉज बनाए गए हैं। पहला तो ये कि जो सोशल साइट्स हैं, सोशल साइट्स में जो अभी तक उनका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म होता था, वो ओपन प्लेटफॉर्म अब नहीं रहेगा। अर्थात उसमें भी जो रूल्स हैं रूल्स को उन्हें फॉलो करना होगा। इसके साथ ही साथ जो सोशल मीडिया की कंपनीज हैं वो किसी भी कंट्री के रूल्स को इसलिए फॉलो नहीं करते थे कि उनका हेड ऑफिस भी इंडिया में नहीं है, या उनकी जो वर्किंग का सेंटर है वो भी इंडिया में नहीं है। तो वो कहते थे कि मैं इंडिया के या किसी भी कंट्री के जहाँ मेरा अपना सेंटर नहीं है, मैं रूल्स को फॉलो क्यों करूँ। अब इस जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट ने अपने प्रयास किए और उसको इम्प्लीट कराया, ये निश्चित रूप से ये बहुत सकारात्मक प्रयास है, यानी पॉजिटिव एफर्ट्स हैं। इसमें हर कंपनी को इंडिया के अंदर
जो लीगल ग्रीवांसेज हैं उन ग्रीवांसेज के लिए अभी तक कोई भी प्रॉपर वे में परसुएंस नहीं होती थी, अब वो लीगल ग्रीवांसेज के लिए हर कंपनी को यहाँ पे यानी इंडिया में ऑफिसर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा। एक प्रिंसिपल ग्रीवांस ऑफिसर होगा जो जिसको चीफ ग्रीवांस ऑफिसर कहेंगे, उसका अपॉइंटमेंट भी कंपनी को इंडिया में करना होगा। इसी तरीके से नोडल ग्रीवांस ऑफिसर को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी जो गवर्नमेंट से और जांच एजेंसी से टच में रहेगा, और जितनी भी इस तरह की प्लेटफॉर्म पे सोशल साइट्स पे जो इस तरह की जो आपत्तिजनक विचार होंगे आपत्तिजनक वीडियो होंगे उन सब को वो उनसे शेयर करेंगे और उनको प्रत्येक माह यानी एवरी मंथ में अपनी एक स्टेटस रिपोर्ट भी प्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से हम जब चीफ ग्रीवांस ऑफिसर की बात करते हैं, नोडल ऑफिसर की बात करते हैं, तो इसमें एक ऑफिसर का अपॉइंटमेंट वो स्टेट लेवल पे भी होगा जिसके द्वारा जो भी ग्रीवांसेज हैं उनका निस्तारण 24 घंटे या अधिकतम 15 दिन के अंदर करना आवश्यक होगा और इसकी इंटीमेशन गवर्नमेंट को देना भी आवश्यक होगा। इसी तरीके से और बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, सजा के प्रोविज़न भी आ गए हैं। यदि अभी तक जो सीरीज़ और इन सब में अश्लीलता या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का जो तरीका था उसको भी प्रतिबंधित करने के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस लॉ के माध्यम से एक ऑफिसर का अपॉइंटमेंट हो रहा है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के रूप में होंगे और वो इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड की तरह से सेंसर करने का भी कार्य करेंगे। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे हम सर और इस बारे में ज्यादा जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं रोहित जी मुरादाबाद से, उनसे जान लेते हैं क्या जानना चाहते हैं। रोहित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल रखें आप। रोहित जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? रोहित जी से शायद हमारा संपर्क टूटा है। अगले कॉलर सुधीर बिलासपुर से हमारे साथ लाइन पर है। सुधीर जी जी नमस्कार, अपना सवाल रखें आप, क्या जानना चाहते हैं? देखिए आपका जो सस्पेंशन हुआ वो सस्पेंशन के साथ ही साथ आपकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी यदि स्टार्ट हो गई है तो उस डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के अकॉर्डिंग ही आपका 50% प्लस 25% जो आपको इंक्रीज होने के बाद मिलना चाहिए बेनिफिट वो मिलेगा। आपका डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का जो स्टेटस है उस स्टेटस के अकॉर्डिंग ही आपको 50% टू 75% तो आपको 50% से 75% तक आपको जो भी आपका सस्पेंशन का पीरियड है उस दरमियान आपको डिपार्टमेंट को बेनिफिट्स देने चाहिए। यदि ये बेनिफिट्स डिपार्टमेंट नहीं दे रहे हैं तो ये अगेंस्ट दी सर्विस रूल्स है। आपके जो लेटेस्ट में सर्विस रूल्स में अमेंडमेंट हुआ है और इस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट अलग अलग हाई कोर्ट्स के अपने प्रतिपादित सिद्धांत भी हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको डिपार्टमेंट की तरफ से सर्विस रूल्स को फॉलो करते हुए 75% के बेनिफिट्स आपको मिलने चाहिए। जी बिल्कुल सर, हम आगे जरूर बढ़ेंगे लेकिन इससे पहले अपने दर्शकों को लिए चलते हैं सीधे लखनऊ जहां पर आप यूपी प्रभारी संजय सिंह कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। ये मगरमच्छ जो जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं इनको इतनी फिक्र नहीं, 54,000 का सिलेंडर फिर उसमें नाइट्रोजन सिलेंडर अगर खरीद लिया तो कितना बड़ा हादसा होगा, कितने लोग मरेंगे, कितनों की जान जाएगी। तो इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच करा के जो अधिकारी बैठे हैं आपके प्रशासन में जो अधिकारी बैठे हैं जिन्होंने भी भ्रष्टाचार इसमें किया है उनको पकड़कर जेल में डालिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, वरना आप पर भी सवाल खड़े होंगे, आपकी ईमानदारी पर भी 1,000 प्रश्न खड़े होंगे, आपके सरकार की निष्ठा और ईमानदारी पर भी 1,000 प्रश्न खड़े होंगे। ये मैं आपको कल दिखा ही चुका हूं, एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूं, ये 54,000 रुपए में जो सिलेंडर खरीदा गया उसकी जांच की कॉपी है, उसकी जांच के आदेश हैं जो जिलाधिकारी ने सीडीओ को दिया था,
और 12,000 रुपए की एक रसीद थी जो कमिश्नर 12,000 रुपए की एक रसीद है जिसमें कमिश्नर ने 12,000 रुपए में वही सिलेंडर खरीदा है, वो कागज भी ला के दे दो अभी सब। तो ये मेरा पूरा ये था कि सीएमओ का बयान आ चुका है तो आपके सामने पूरा सच फिर से रखा जाए एक बार। आपके कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए वो मौतें नहीं है, वो सरकारी हत्या है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, सरकारी ठेके में, देसी शराब के सरकारी ठेके में आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा आवंटित सरकारी ठेके से खरीदी गई शराब से 56 मौतें हुई हैं। ये सरकारी तौर पर की गई हत्या है और इसमें जो लोग भी शामिल हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई होनी चाहिए। पिछली बार आपको याद होगा, पिछली लहर में ऑक्सीमीटर थर्मोमीटर का घोटाला हुआ था, पीपीई किट का घोटाला हुआ था, उसमें आदित्यनाथ जी ने एक एसआईटी बनाई थी और कहा था कि 10 दिन में कार्रवाई होगी। ना उस एसआईटी का कोई अता पता है और ना उस 10 दिन में की गई कार्रवाई का कोई अता पता है। अब ये नया घोटाला, सिलेंडर घोटाला सामने आया है। अब इसमें अग्नि परीक्षा है आदित्यनाथ जी के जीरो टॉलरेंस की और ईमानदारी के दावे की। क्या कार्रवाई करते हैं ये पूरा प्रदेश देखना चाहता है और खास तौर से वो पीड़ित परिवार जो इस कोरोना में मारे गए। अब मैं, हमारे बीच आज दो जनपदों से ये वो रसीद है जो कमिश्नर मिर्जापुर ने सिलेंडर खरीदा है। ये रसीद आप देखिए, 12,500 रुपए की दर से मिर्जापुर से भदोही की दूरी 30 किलोमीटर और 30 किलोमीटर में सिलेंडर का दाम 42,000 रुपए बढ़ जाता है। 30 किलोमीटर में सिलेंडर का दाम 42,000 रुपए बढ़ गया। ये है आदित्यनाथ सरकार का भ्रष्टाचार। तो अब एक एक करके मैं, सबसे पहले प्रयागराज के हमारे जो साथी हैं, आप लोग अब उन लोगों को आने दें। वो दे दो, व्यापार मंडल प्रयागराज जो व्यापार मंडल का कंचल गुट है, कादिर भाई उसके जिलाध्यक्ष हैं। आज वो अपने साथियों के साथ आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। इनके साथ संजय बिंद जी जो चाका व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, हिमांशु केसरवानी जी जो प्रदेश महामंत्री हैं नमस्ते भारत परिवार फाउंडेशन के और मीडिया प्रभारी हैं प्रयागराज व्यापार मंडल के, मजहर हुसैन साहब हैं जो दरियाबाद के समाजसेवी हैं, अब्दुल्ला शमशाद जी हैं जो समाजसेवी हैं और युवा व्यापारी नेता हैं, युवा व्यापारी नेता आसिफ भाई और आसिफ रिजवी जी, और इसके साथ साथ भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के प्रदेश के महासचिव डॉक्टर बीके सिंह जी हैं, मंडल के अध्यक्ष राजीव चंदेल जी हैं, मंडल के सचिव श्याम सूरत पांडे जी हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिनका नाम दर्ज है राजेंद्र तिवारी जी, दुकान जी जिनको लोग प्यार से कहते हैं, वो अपनी मूछें रखने के कारण विश्व प्रसिद्ध हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम है। अन्ना आंदोलन से जुड़े रहे हैं तो राजेंद्र तिवारी जी भी आज आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। मैं इन सब का हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं।
तो ये आपने सुना आप यूपी प्रभारी संजय सिंह को, जिन्होंने एक और सिलेंडर को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है, तो वहीं कई और मुद्दों को लेकर भी बातचीत की। आगे बढ़ेंगे और एक बार फिर से चर्चा करेंगे हमारे कार्यक्रम वकील आपका में अगले सवालों को लेकर। जी धर्मेंद्र जी, हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि जिस तरह से आईटी नियमों में बदलाव के दौरान कई बदलाव हुए हैं, और ऐसे में क्या लोगों की प्राइवेसी या निजता जो है उस पर प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जो प्रत्येक नागरिक की निजता का प्रश्न है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हर सिटीजन का। इस एक्ट में जो अमेंडमेंट के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं, उन रूल्स में कहीं भी कोई निजता के प्रश्न पर क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा है। जो कंपनीज का निजता का अपना क्राइटेरिया है वो अपने रूल्स को अपने हिसाब से सेट करते हैं, और जो सामाजिक तौर पर देखने को मिलता है, अभी बहुत सारी वेब सीरीज़, बहुत सारे ऐसे और शॉर्ट मूवीज़ आईं जिनमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से संबंधित शब्दों का इस्तेमाल किया गया, तमाम ऐसे वाक्यात को दिखाया गया जो एक्चुअल में वाक्यात नहीं हुए, यानी उस तरह की घटनाएं कभी नहीं हुई। और इसी प्रकार सोशल मीडिया में जो पांच प्रमुख प्लेटफॉर्म हैं, उन पांचों प्लेटफॉर्म पे लोग अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे कुछ भी किसी के लिए पोस्ट कर देते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के लिए हो, चाहे व्यक्ति विशेष के लिए हो, चाहे समाज के लिए हो, कुछ भी फेक न्यूज़ को अपने अकॉर्डिंग वो सेंड कर देते हैं। तो गवर्नमेंट का इस आईटी एक्ट में अमेंडमेंट के माध्यम से सिर्फ इतना ही एक नियम बनाने का जो उद्देश्य है, ऐसा मुझे लगता है, व्यक्तिगत मेरी ओपिनियन ये कि गवर्नमेंट चाहती है कि इस तरह के सारे जो इलीगल एक्ट होते हैं और जिसमें त्वरित लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं हो पाती हैं, उन लीगल प्रोसीडिंग्स को करने के लिए ये अमेंडमेंट जरूरी था, जिस अमेंडमेंट की वजह से जितने भी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के हैं या OTT के हैं, इन सब में एक सर्टेन क्राइटेरिया फिक्स हो जाएगा, अर्थात उनमें एक लक्ष्मण रेखा खिंच जाएगी, और लक्ष्मण रेखा खिंच जाने के बाद जो नियम है उन नियम का फॉलो अप करना इस सारी कंपनियों के लिए प्रतिबद्धता होगी। यानी इनके लिए ये स्ट्रॉन्ग रूल्स होंगे, जिसमें यदि ये रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं। इसी प्रकार जो सोशल मीडिया या और ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स में जो भी वर्किंग होगी, उस वर्किंग की इंटीमेशन जो मैंने अभी दर्शकों को बताया कि जो कंपनियाँ हैं उनको ग्रीवांस के लिए, ग्रीवांस के डिस्पोजल के लिए तीन प्लेटफॉर्म पे वर्किंग करनी होगी, यानी चीफ ग्रीवांस ऑफिसर, उसके बाद नोडल ऑफिसर, उसके बाद वो स्टेट लेवल के ऑफिसर्स को भी अपॉइंट करना होगा। साथ ही साथ यदि कोई भी पोस्ट ऐसी है जो आपत्तिजनक है, उस पोस्ट को डिलीट करना होगा कंपनी को, और उस पोस्ट को आगे फॉरवर्ड नहीं किया सकेगा। साथ ही साथ उस पोस्ट को फॉरवर्ड करने वाले या सेंड करने वाला जो प्रिंसिपल सेंडर होगा, यानी जो प्रथम सूचना भेजने वाला व्यक्ति होगा, वो निश्चित रूप से उस अपराध के लिए दोषी पाया जाएगा, और उस दोष के निस्तारण के लिए जो वैधानिक प्रक्रिया है उसको अपनाया जाएगा, और इसमें 5 साल या 5 साल से अधिक की सजा के प्रोविजंस को भी रखा गया है, जिससे कोई भी इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करने में या किसी को डिफेम करने में या फेक न्यूज़ देने में या इस तरह के किसी भी वेब सीरीज़, मूवी आदि में ऐसा कोई भी फैक्ट इंट्रोड्यूस करने में जिससे सामाजिक क्षति हो रही हो, किसी की साख गिर रही हो, इन सब में निश्चित रूप से प्रतिबंध लगेगा। और ये जो रूल्स अमेंडमेंट हुए हैं एक्ट में, वो निश्चित रूप से हर नागरिक के लिए एक सपोर्टिव लॉ के रूप में वर्क करेंगे, और इसमें कहीं भी निजता का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल का इसमें कहीं भी वायलेशन नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। और अर्चना जी गोरखपुर से हमारे साथ अगली कॉलर लाइन पे बनी हुई है। जी अर्चना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अर्चना जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी, अपना सवाल रखिए आप, वकील साहब आपको सुन रहे हैं। अपना सवाल रखिए आप, क्या जानना चाहती हैं? हम जानना ये चाह रहा है कि हम 2018 में फीस लिए थे विद्यार्थी कंपनी की, और वो फीस जब से आई हमारा फीस चल नहीं रहा है। तो हम कंप्लेन भी किए वो, लेकिन वो जो कहा वहाँ सर्विस सेंटर से आते हैं वो बना के गए, 2 बार कंप्रेसर बदलाए, अभी फीस नहीं चलती रही है, और अंदर वो फीस आज तक चल रहा है।
अर्चना जी, जो आपने फ्रिज परचेज की है, उस फ्रिज को परचेज करते समय वारंटी और गारंटी का कार्ड आपको मिलता है। उस वारंटी और गारंटी के कार्ड में जो भी ड्यूरेशन यानी मियाद लिखी होगी, वो 3 इयर्स है, 6 इयर्स है, 10 ईयर है, 1 ईयर है, जो भी उसमें मियाद लिखी होगी, उस मियाद के दरमियान यदि किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आती है आपके प्रोडक्ट में, जो आपने परचेज किया है उसकी वैल्यू आपने पे की है, तो निश्चित रूप से ये इस प्रोडक्ट में जो कमी है वो कंपनी की कमी मानी जाएगी। और यदि कंपनी में कंप्लेंट करने के बाद भी आपको जो प्रॉपर रिलीफ मिलना चाहिए, जो सुविधा मिलनी चाहिए, जो फ्रिज को ठीक करने का प्रोसेस होना चाहिए, यदि वो नहीं हुआ है, तो आप निश्चित रूप से उस कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं। उपभोक्ता फोरम में आप परिवाद प्रस्तुत करेंगे, उसमें कंपनी के जो की पर्सन हैं, चेयरमैन, डायरेक्टर जो भी हैं, उनको आप पार्टी बनाएंगे। साथ ही साथ जिस डीलर या एजेंट से आपने उस फ्रिज को परचेज किया है उसको भी आप पार्टी बनाएंगे। उस केस में निश्चित रूप से आपकी ग्रीवांस को कंज्यूमर फोरम कंसीडर कर सकती है। जो एक्ट में प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग अब तो इस तरह की ग्रीवांसेस को बहुत जल्दी सेटल करने के लिए कोर्ट प्रोसेस करती है। आप उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत को दर्ज कराइए। शिकायत दर्ज कराने के बाद आपकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन आपके फ्रिज खरीदते समय बिल बाउचर पे होंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट मिल सकता है, आपकी फ्रिज भी बन सकती है और नई फ्रिज भी आपको मिल सकती है। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे हम। और धर्मेंद्र जी, जिस तरह से कोरोना काल ये चल रहा है, ऐसे में तमाम ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में काफ़ी आमूलचूल बदलाव आया है। कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को इस दौरान खोया है। कोरोना से अनाथ हुए जो बच्चे, उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए? देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें बहुत पीड़ा है। पीड़ा इस बात की है कि समाज में जिस तरीके से COVID-19 का प्रभाव रहा या इस पैंडेमिक का प्रभाव रहा, उस प्रभाव की वजह से बहुत लोगों को बहुत कुछ गंवाना पड़ा, बहुत लोगों को बहुत कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा और लोगों को अपने जीवन से संघर्ष करने के लिए भी रूबरू होना पड़ा। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से जो इस पैंडेमिक के पीरियड में या कोविड के पीरियड में जो छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों के पेरेंट्स, उनके माता पिता या उनके संरक्षक जिनका आकस्मिक निधन हो गया कोरोना की वजह से, जिनके ना रहने की वजह से उन बच्चों का सर्वाइवल, उन बच्चों का जो भरण पोषण वो होना असंभव हो गया, ऐसी स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपने जो भी नियम है उन नियमों का क्रियान्वयन तो करा ही रही है, अर्थात उनको सुविधाएँ दे रही है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट यूपी की हम बात करते हैं, तो यूपी गवर्नमेंट ने इस तरह के बच्चों के फ्री एजुकेशन के लिए, उनके भरण पोषण के लिए मासिक भत्ते को फिक्स करने का और कई सहूलियतें देने का नियम बनाया। इसी प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस पर काफ़ी कुछ सहूलियतें इस तरह के बच्चों को दी हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस इशू पर कॉग्निजेंस लिया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू पर कॉग्निजेंस लेते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को ये डायरेक्टिव्स दिए कि जिन बच्चों के पेरेंट्स, फादर, मदर इस कोरोना काल में नहीं रहे, उनमें से कोई भी बच्चा भूखा नहीं रहना चाहिए, उनमें से कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसका भरण पोषण ना हो रहा हो, कोई भी बच्चा प्रताड़ित नहीं होना चाहिए। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को इतनी गंभीरता से लेते हुए, अर्थात कॉग्निजेंस लेते हुए इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्टिव्स दिए, तो ये हर दर्शक को और हम सभी को समझना चाहिए कि कितना गंभीर विषय है। एक समाज में एक ऐसी पीड़ा जिस पीड़ा को गवर्नमेंट अपने लेवल पर मैक्सिमम एफर्ट्स करने के साथ पूर्ण कर रही है, तो हर नागरिक की भी जिम्मेदारी है कि वो भी जो कर सकते हैं वो इस तरह के बच्चों के लिए, इस तरह में समाज में रहने वाले लोगों के लिए करना चाहिए। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। और आमना कानपुर से हमारे साथ कॉलर जुड़ी हुई है। जी आमना, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल रखें आप। हेलो जी आमना, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे टीवी के वॉल्यूम को डाउन करें, उसके बाद अपना सवाल रखें। जी जी बताएं, क्या जानना चाहती हैं? हमारे हस्बैंड की और हमारे डैड की, मतलब हमारे ससुर की प्रॉपर्टी है,
तो अलग अलग दो मकान हैं, तो जी जी अपना सवाल पूरा करें आमना जी। जी तो वो मतलब बंटवारा मतलब ऐसे हुआ कि जैसे घर में लिखा पढ़ी कर ली थी छोटी सी, तो अभी तक के कोई ऐसी पक्की लिखा पढ़ी नहीं है जिससे कि भविष्य में बच्चों को तकलीफ ना हो। जी बिल्कुल, तो किस तरह की लिखा पढ़ी होना चाहिए जो भविष्य में काम आए, क्योंकि वो कोर्ट में जाना नहीं चाह रहे। जी बिल्कुल धर्मेंद्र जी, यहाँ पर आपको रुकना चाहेंगे, इस सवाल का जवाब हम जरूर लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। अपने दर्शकों को जरूर कहना चाहेंगे कि आपकी यदि कोई भी समस्या है तो आप हमें कॉल कीजिए, कॉल करने के लिए नंबर्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं। देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गारों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो, जुबान केसरी। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. Khudi ko aazmaya hai, to ye andaaz aaya hai. Khudi ko aazmaya hai, to ye andaaz aaya hai. Tum mein bhi main hoon, Shuddh Plus. देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम वकील आपका में। लगातार आपके तमाम सवालों को लेकर हम वकील जी से बातचीत कर रहे हैं और आपके सवालों के जवाब ले रहे हैं। यदि आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें जरूर फोन कीजिए, फोन करने के लिए नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और इसी बीच आमना जी ने धर्मेंद्र जी एक सवाल पूछा था, उसके सवाल का जवाब मैं चाहूंगी। देखिए आमना जी, जो आपका प्रश्न आपने पूछा, उस प्रश्न में आपके ससुर यानी फादर इन लॉ की जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में जो भी आपके जेठ और हस्बैंड हैं उनके अपने हिस्से का अगर सुनिश्चयन उनके द्वारा कर दिया गया है किसी भी हिबानामा के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से, तो निश्चित रूप से उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पे उनका अपना मालिकाना हक प्रूफ होता है। अगर ऐसा नहीं किया गया है और आपको लगता है कि आपके फादर इन लॉ के टू प्रॉपर्टीज़ हैं, दो संपत्तियाँ हैं, उन दो संपत्तियों में एक आपके जेठ का और एक आपके पति का आपसी सहमति से जो हुआ है वो लीगल कैसे हो, तो आपको एक पारिवारिक बंटवारा करा लेना चाहिए। उसको रिटेन में आपको लिखित रूप से स्टैम्प पेपर पे तैयार कर लेना चाहिए। वो 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे आप तैयार कर लें और उस पे दो गवाहों से भी उस जो बंटवारा नामा है या आपका फैमिली सेटलमेंट है उसकी पुष्टि करा लें। जो मुस्लिम लॉज में प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो संपत्ति का हिस्से का क्राइटेरिया फिक्स किया गया है मिलने का, उसका अपना एक प्रोसेस है मुस्लिम लॉ का। उसके अकॉर्डिंग बेटों को, वाइफ को, पुत्रियों को एक सर्टेन परसेंटेज में मालिकाना हक मिलता है। लेकिन यदि आपके परिवार में ये बैठ के तय हो गया है कि आपके हस्बैंड और आपके जो जेठ हैं उनके बीच में दोनों मकानों का आपसी बंटवारा हो गया, तो उसको आप ऑन राइटिंग कर लें, ऑन राइटिंग उसको आप कहीं भी एग्जीक्यूट कर लें और उसमें दो गवाहों के साइन करा लें, तो ये डॉक्यूमेंट भी आपके फैमिली सेटलमेंट के रूप में आगे यदि कोई डिस्प्यूट होता है तो एक्सेप्ट किया जा सकता है। और इस डॉक्यूमेंट के आधार पे ही आप कोर्ट से अपने अपने मकान के मालिकाना हक का डिक्लेरेशन उद्घोषणा भी करा सकते हैं, क्योंकि मालिकाना हक सिर्फ एक पेपर में लिख लेने से आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। आगे जब भी कभी उस मकान का आगे
मालिकाना हस्तांतरित होगा तो आपको निश्चित रूप से कोर्ट का कोई ना कोई ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए होगा जो आपको आपके टाइटल को सपोर्ट करे, या आप बैंक से लोन लेना चाहेंगे या उस मकान के और कोई फ़ायदे लेना चाहेंगे प्लस करने से लेकर के उसको किसी तरह से ट्रांसफ़र करने के बारे में, तो आपको एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होगी। वो लीगल डॉक्यूमेंटेशन आपको कोर्ट से डिक्लेरेशन के बाद ही मिल सकता है। तो आप कोर्ट में जाएंगे, वहाँ नॉमिनल कोर्ट फीस में आपका डिक्लेरेशन स्वामित्व का हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप अगर कोर्ट चले जाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, आपका स्वामित्व स्पष्ट हो जाएगा। और यदि आप कोर्ट नहीं जाते हैं तो फैमिली सेटलमेंट करके उस डॉक्यूमेंट को पारिवारिक बंटवारे के रूप में अपने पास सुरक्षित रखें, वो भी आपका एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट आपको आगे सपोर्ट करेगा। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। और सोनू जी जोधपुर से अगले कॉलर हमारे साथ लाइन पर बने हुए हैं। सोनू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सोनू जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। आगे बढ़ेंगे हम, और राजस्थान से राजू अगले कॉलर लाइन पर। जी राजू जी स्वागत है आपका। जी अपना सवाल करें आप। मैं से बोल रहा हूँ, क्या जानना चाहते हैं राजू जी? वो क्या जी बिल्कुल जी, धर्मेंद्र जी ये जानना चाहते हैं कि क्या नाबालिग का अधिकार हो सकता है पिताजी की संपत्ति में या पैतृक संपत्ति में? देखिए, कोई भी नाबालिग यानी माइनर बच्चा है उस बच्चे के राइट को कर्टेल नहीं कह सकता, यानी उसको प्रतिबंधित नहीं कह सकता है, उसका भी अधिकार संरक्षित है। यदि वो हिंदू है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में भी, हिंदू लॉ में भी प्रोविजंस हैं जिसके अकॉर्डिंग मेजर या माइनर जिसके जो शेयर हैं वो शेयर उनको मिलने चाहिए। उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं कि यदि माइनर उसके बाबा की संपत्ति है, बाबा और दादी की, और उस संपत्ति पर उसके पिता और उसकी माता द्वारा क्लेम नहीं किया जा रहा है या क्लेम करने का लीगल स्टेटस उनका नहीं है, तो जो उनका नाती यानी जो माइनर बच्चा है वो अपने बाबा और दादी की संपत्ति पर लीगल राइट को क्लेम कर सकता है सिविल कोर्ट के माध्यम से, जिसमें उसके नेचुरल गार्जियन माता और पिता ही होंगे। तो ऐसी स्थिति में माइनर के जो भी अधिकार हैं कानूनी, उन कानूनी अधिकारों का हनन नहीं हो सकता है। माइनर के इंटरेस्ट को ऑब्जर्व करने का, उसके इंटरेस्ट को सॉल्व करने का जो भी लीगल राइट है वो उसके नेचुरल गार्जियन या उसके पेरेंट्स को है, जो उसके इंटरेस्ट को, उसके बेनिफिट को ऑब्जर्व करें और उसके संबंध में लीगल प्रोसीडिंग को एग्जीक्यूट करें जिससे माइनर के अधिकारों का संरक्षण हो सके। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे हम। और अगला सवाल मेरा ये है कि क्या किसी मुकदमे में संदेह के आधार पर भी किसी को सजा मिल सकती है? देखिए, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी बहुत ही लेटेस्ट में एक प्रतिपादित सिद्धांत दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि संदेह के आधार पर जो सजा दी गई उस सजा में संदेह को मुख्य साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया सकता है। जो एविडेंस एक्ट है उसमें एविडेंस की अलग अलग कैटेगरीज हैं, डायरेक्ट एविडेंस है, इनडायरेक्ट एविडेंस है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, हियर बाय एविडेंसेज हैं, बहुत सारे एविडेंसेस की जो क्राइटेरियाज हैं उसके अकॉर्डिंग केस को जब ट्रायल चलता है उसमें ऑनरेबल कोर्ट को ये अपना अधिकार का, अपने अधिकारों का प्रयोग करने का एक लीगल राइट मिला है। लेकिन वहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केस को डिसाइड करते हुए अपील को डिसाइड करते हुए जो अधीनस्थ न्यायालय का आदेश था सजा का, उस आदेश को उन्होंने समाप्त कर दिया और ये कहा कि जो अधीनस्थ न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा दी है वो आजीवन कारावास की सजा इस आधार पे दी है कि उनको गवाह और साक्ष्यों के माध्यम से यह ज्ञात हुआ, यह संदेह हुआ कि इस व्यक्ति द्वारा इस व्यक्ति की हत्या की गई है। तो निश्चित रूप से संदेह को ठोस साक्ष्य के रूप में स्वीकार करके किसी भी व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती है। यहाँ पर न्यायालय को ये देखना चाहिए कि जो संदेह है, संदेह के लिए जो साक्ष्य आया है उसके साथ साथ और जो एविडेंसेज हैं
उन एविडेंसेस से क्या कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ऐसी जनरेट हो रही है जिससे वो संदेह वास्तविकता में परिवर्तित हो रहा है, अर्थात उसकी पुष्टि हो रही है। यदि इस तरह के को लिंक को इंटरलिंक करते हुए विटनेसेस एविडेंसेस ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष आती हैं, तभी कोर्ट को इस तरह के केस में गंभीरता पूर्वक अवलोकन और परसिमन करते हुए कोई भी जजमेंट देना चाहिए। सिर्फ संदेह के आधार पर किसी को सजा देना न्यायोचित नहीं और प्राकृतिक न्याय के विपरीत भी है। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। और राजेंद्र जी उधम सिंह नगर से अगले कॉलर हमारे लाइन पर। राजेंद्र जी जी नमस्कार, अपना सवाल रखें आप। जी तो उसकी वाइफ ने उसे इनका मुकदमा लगा दिया है। जी हेलो, जी जी अपना सवाल पूरा करें आप। नमस्कार जी, अपना सवाल पूरा करें राजेंद्र जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। हाँ जी मैडम, ऐसा है मेरे भाई की वाइफ ने झूठा मुकदमा लगा दिया है। देखा वो वहाँ पे काला डूंगी में नौकरी करती है जी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए आपके ब्रदर की जो वाइफ है उन्होंने अगर कोई भी इस तरह का केस मेंटेनेंस लेने के लिए ऑनरेबल कोर्ट में प्रस्तुत किया है जिस पे उन्होंने एफिडेविट के माध्यम से रॉन्ग फैक्ट्स दिए हैं यानी फेक फैक्ट्स दिए हैं, तो निश्चित रूप से कोर्ट भी उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग कर सकती है। आप उस एफिडेविट की उस पिटीशन की सर्टिफाइड कॉपी लें और इसके साथ ही आप जहाँ पर भी आपके ब्रदर की वाइफ जॉब करती हैं आपके कथनानुसार वो जॉब में है और उनकी जो मंथली इनकम है वो फिक्स है, तो ऐसी स्थिति में उनको जो प्रतिपादित सिद्धांत है जो लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग उनको मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए, या इनकम अगर कम है तो फिर मेंटेनेंस कोर्ट के स्वविवेक पर निर्धारित होता है कि स्वविवेक के अनुसार कोर्ट क्या निर्धारित करती है मेंटेनेंस। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर वो जॉब करती हैं उनकी जॉब करते हुए सैलरी स्लिप को अगर आप पा सकते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल पा सकते हैं जहां वो जॉब करती हैं, तो निश्चित रूप से उसको आप लेने के साथ जहां फैमिली कोर्ट में उन्होंने 125 सीआरपीसी के अंतर्गत आपके भाई पर मेंटेनेंस लेने के लिए केस फाइल किया है वहां पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स को ऑब्जेक्शन के साथ में आप फाइल कर दीजिए। आपके ऑब्जेक्शन के साथ ये डॉक्यूमेंट्स फाइल करते ही न्यायालय इसमें प्राथमिक रूप से सुनवाई करते हुए उनकी जो परिवाद है उनका जो कंप्लेंट केस है अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं या उसमें विधियोचित जो आदेश है वो न्यायालय पारित कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अगले कॉलर हमारे साथ जालौन से कारो राम जुड़े हुए हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद संपर्क हमारा ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है, आगे बढ़ूंगी मैं। और सर जिस तरह से समाज में कई बार ऐसी विसंगतियां फैली होती हैं, कोरोना काल में भी हमने देखा है कि नकली दवाइयां बनाकर लोग एक दूसरे को ठगते हुए नजर आए हैं, और खाद्य पदार्थ हों या नकली दवाइयां हों, ऐसे समय में ये दूसरों की जान के साथ खिलवाड़ करना होता है। तो ऐसे में यदि नकली दवाई बेच कर बनाकर कोई इस तरह का कार्य करता है तो उस पर क्या कार्रवाई होती है? देखिए जो भी अभी उत्तर प्रदेश में भी कई जिलों में इस तरह के लोगों को पुलिस द्वारा सख्ती करते हुए पकड़ा गया जो नकली इंजेक्शन को भी बनाने के साथ विक्रय का कार्य कर रहे थे। इलाहाबाद का एक मेडिकल स्टोर का मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि मेडिकल स्टोर से उन दवाओं का विक्रय किया गया और उसमें कुछ कानपुर या अन्य जिलों के लोगों को भी अरेस्ट किया गया। तो ऐसी स्थिति में जो इस तरीके का कार्य कर रहे हैं ये समाज विरोधी तो है ही, ये कार्य देश विरोधी भी है, क्योंकि समाज में जिस तरह से इस महामारी का प्रभाव लोगों को अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, लोगों को एक एक पल अपनी सांसों को लेने के लिए ऑक्सीजन या इस तरह के इंजेक्शन और इस तरह की मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है। धर्मेंद्र जी माफ कीजिएगा, यहाँ पर हमें आपको रोकना पड़ेगा। हम अपने दर्शकों को सीधे लिए चलेंगे लखनऊ जहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। दो डोज लगती है टीकाकरण में, दोनों डोज मैं भी लगवा चुका हूँ, और आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपना टीकाकरण जरूर करवाइए। और हम इस समय तरह तरह के अभियान भी चला रहे हैं, जैसे जो डाक विभाग के कर्मी हैं, जो डाकिया हैं और उनके अधिकारीगण हैं,
उनका हम टीकाकरण विशेष रूप से कर रहे हैं, 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का। ऐसे ही जो रोडवेज के कर्मचारी अधिकारी हैं उनका हम टीकाकरण कर रहे हैं। ऐसे ही जो जेल के कैदी हैं, जो भी 45 वर्ष के ऊपर की उम्र के हैं, उनका हम टीकाकरण कर रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे लोगों का हम टीकाकरण कर रहे हैं। और जो लोग दूसरों के संपर्क में ज्यादा आते हैं उनका टीकाकरण भी हम विशेष रूप से करेंगे। 15 जून के आसपास हम जो लोग रिक्शा चलाते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, या जो लोग इस तरह के और कार्यों में लगे हैं, बस के ड्राइवर हैं, तो उन सबों का भी हम टीकाकरण का कार्य करेंगे। जो प्राइवेट बसेस के भी ड्राइवर होंगे या रिक्शा चालक हैं, थ्री व्हीलर के चालक हैं, इन सब का, या फिर जो रेहड़ी पटरी के दुकानदार हैं, जो जो सड़क किनारे पटरी पर सौदा बेचते हैं, सामान बेचते हैं, जिनके संपर्क में सभी लोग आते हैं, उन सबों के लिए भी हम विशेष अभियान 15 जून से हम चलाएंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश है कि जो भी लोग ज्यादा लोगों के संपर्क में आते हैं उन्हें जल्द से जल्द टीका लगा करके सुरक्षित किया जाए, ताकि वो स्वयं भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी संक्रमित न करें। इसका अभियान भी हम विशेष रूप से चलाएंगे। 1 तारीख से हम जो हमारे जिलों में जो जुडिशरी के अधिकारी कर्मचारी हैं उनके लिए भी हम अभियान चला रहे हैं, जो हमारे मीडिया कर्मी हैं उनके लिए भी हम सभी 75 जिलों में अभियान हम 1 जून से प्रारंभ कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी हम सुरक्षित कर दें। उन्हें जगह जगह जाना पड़ता है, समाचार संकलित करना पड़ता है। तो इस तरह से राज्य सरकार का ये प्रयास है कि जल्द से जल्द हम अधिक से अधिक संख्या में टीकाकरण करें, और जिन लोगों को बहुत लोगों के संपर्क में आना पड़ता है अपने कार्य के सिलसिले में, उन्हें हम शीघ्रातिशीघ्र सुरक्षित कर दें। टीका लगने के बाद भी आप से अनुरोध है कि सावधानी बरतते रहिए। अपने अभी संक्रमण कम हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी संक्रमण है और कुछ जिलों में अभी भी बहुत केस आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे, अखबारों में पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे राज्यों में अभी भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। ये आपके सहयोग से ही संभव हो सका है कि आज संक्रमण बहुत ही निचले स्तर पर आया है। ये सरकार के प्रयासों और जनता के उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार, सहयोग एवं निगरानी समितियों की चौकसी के कारण संभव हो पाया है। तो अपने हाथ को साबुन पानी से साफ करते रहिएगा, अपने मुंह और नाक को ढककर रखिए, जब भी बाहर निकलिए मास्क लगाइए, गमछे रुमाल दुपट्टे से मुंह और नाक को ढककर रखिए, और लोगों से 2 गज की दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि जब आप लोगों के नजदीक जाएंगे तो संक्रमित होने का खतरा बढ़ता है। तो अगर आप सावधान रहेंगे तो संक्रमण से बचे रहेंगे और टीका लगवा के सुरक्षा कवच भी पाएंगे। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी प्रकार की उलझन हो हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800-181-45 पर फोन करिए और विशेषज्ञों की सलाह लीजिए। स्वस्थ रहिए, संक्रमण मुक्त रहिए और सपरिवार प्रसन्न रहिए। एसएस हेल्थ अमित मोहन, जिन्होंने लगातार कोरोना को लेकर जानकारी दी है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अब लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रयासों के बाद कोरोना की संक्रमण दर में भारी कमी देखी, प्रदेश में संक्रमण कम हो रहा है। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो विशेष रणनीति प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें कि 3T, 3T, ट्रेस टेस्ट और ट्रीट, और उसके साथ साथ जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उनकी सोच के हिसाब से उन्होंने जो सोचा कि जीवन भी बचाना है, जीविका भी बचानी है, इस क्रम में जो एक आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाने के बाद लोगों का एक मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्ट किया, और उसके साथ साथ सबको टीका लगाने की जो योजना है उस पर जो काम चल रहा है, तो ये पूरे जो 5 तत्व, 3T, कोरोना कर्फ्यू और टीकाकरण, ये पांचों ने मिलकर अपना ये प्रभाव दिखाया है। और इसका सत्यापन और इसका जो कोरोना हमारे
जिलों में जो काम कर रहे कोरोना वॉरियर हैं, कोरोना योद्धा हैं, उनका उत्साह बढ़ाने का काम जो मुख्यमंत्री जी ने खुद किया, उन्होंने लगभग 20 दिन में 5,500 किलोमीटर हेलीकॉप्टर से, कार से जाकर 18 मंडलों में, लगभग 40 जनपदों में जाकर खुद उन्होंने अस्पतालों का निरीक्षण किया। कोरोना के भी अस्पतालों में वो गए, गाँव में निगरानी समितियों का कार्य को प्रोत्साहित किया, निगरानी समितियों का कार्य देखा। इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम जो हर जिले में बने हुए हैं उनकी फंक्शनिंग देखी कि वो कैसे काम कर रहे हैं। फिर वो वहाँ पर स्थानीय लोगों से मुलाकात की, यहाँ तक कि वो जो कोरोना से प्रभावित लोग हैं उनसे भी मिले, कंटेनमेंट जोन में गए कि कंटेनमेंट जोन में कैसा चल रहा है, जो कोरोना से प्रभावित लोग हैं उनसे टेली कंसल्टेशन, दूरभाष पर बात हो रही है, उनका कोई हालचाल ले रहा है, हालचाल लेने की क्या प्रक्रिया है। तो ये सारे अभियान का ये नतीजा है कि रिकॉर्ड 30 दिन में जो एक्टिव मामले प्रदेश में 3,10,000 तक पहुंच गए थे, वो एक्टिव मामले अब जैसा अमित जी ने बताया बहुत कम अब रह गए हैं, लगभग 87% कम हो गए हैं। और इसके साथ साथ जो प्रतिदिन आने वाले मामले थे, जो कि एक समय में 38,000 मामले भी आ रहे थे, वो घट के 95% घट गए हैं, वो केवल 5% रह गए हैं, 2,000 प्रतिदिन से भी कम हो गए हैं। मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा दर्शकों को कि यदि हम इसका एक तुलना करें अन्य प्रदेशों से, तो आप देखेंगे कि जैसे महाराष्ट्र में उसकी आबादी 12.2 करोड़ है और महाराष्ट्र में 57,00,000 कोरोना के मरीज आए अभी तक, और आज की तारीख में वहां पर 2,76,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं जो कि अभी जिनका इलाज चल रहा है। कर्नाटका की आबादी 6 करोड़ है, वहां 25,00,000 से अधिक केस आए और 3.5 लाख अभी एक्टिव मामले हैं। इसी तरह से केरल की आबादी 3.5 करोड़ है, वहां 24,00,000 मामले आए और अभी भी 2,33,000 एक्टिव हैं। तमिलनाडु जिसकी आबादी 7.6 करोड़ है, वहां पर 20,00,000 मामले आए जिनमें 3,10,000 अभी भी एक्टिव मामले हैं। वहीं उत्तर प्रदेश जिसकी आबादी 22.5 करोड़ है, लगभग इन तीन प्रदेशों की आबादी मिलाकर वहां केवल 16,88,000 मामले आए और इस समय सिर्फ 46,000 जो कल तक थे आज 42,000 जो है वो मामले एक्टिव है। तो ये साफ दर्शाता है, इसमें मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो पॉजिटिविटी रेशो है वो जहाँ महाराष्ट्र में 16.5% है, केरल में 12.5% है, तमिलनाडु में 7.5% है, वही उत्तर प्रदेश में केवल 3.5% है। इसी तरह से जो पॉजिटिविटी रेशो है, रिकवरी रेशो है, जो आदमी ठीक हो रहे हैं उनका जो अनुपात है, उनका अनुपात महाराष्ट्र में 93%, कर्नाटक में 85%, केरल में 90%, तमिलनाडु में 83% और उत्तर प्रदेश में 96% है, जो कि आज बढ़ के 97% के आसपास हो गया है। तो ये केवल मैं आंकड़े इस प्रकार से दिखा रहा हूँ कि ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश का जो कोविड मैनेजमेंट का, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो कोविड का प्रबंधन जो हो रहा है, ये एक मैनेजमेंट के लिए एक मॉडल है, एक तरह से ये अध्ययन का विषय है कि इतनी बड़ी आबादी और उसमें भी 7,00,000 लोग जो हैं प्रवासी मजदूर आए दूसरे प्रदेशों से, महाराष्ट्र से आए और दिल्ली से आए जहाँ पर की संक्रमण बहुत भीषण था, और तमिलनाडु में तो अभी भी, महाराष्ट्र में तो अभी भी है। तो इतने प्रदेशों से आने के बाद भी व्यवस्था को संभाला गया, व्यवस्था को संभाल कर इस प्रकार से आज जो है इस स्थिति पे आया है कि आज 2,000 से कम मामले आ रहे हैं प्रदेश में, पूरे प्रदेश में 22 करोड़ की जनसंख्या में,
जो पॉजिटिविटी रेशो है वो 0.6% रह गई है। और यहाँ जैसे मैं आपको बता रहा था कि अब जो सामने हमारे जो है वो ये है कि टीकाकरण कराया जाए, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 जून से पूरे प्रदेश में एक वृहद टीकाकरण का अभियान चलाने का एक पूरा कार्यक्रम बनाया है। परसों से जैसे भी अमित जी ने बताया, लगभग 1 करोड़ से अधिक लोगों को 1 महीने में टीका लगाया जाएगा, और 12 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए अलग, सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग, जो हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनके लिए अलग, शिक्षकों के लिए अलग, ये इस प्रकार की व्यवस्था की गई, पत्रकारों के लिए अलग, कि ऐसे ऐसे बूथ जो कि स्पेसिफिक हों जहाँ पर उन्हीं समूहों का टीकाकरण कराया जाए। 12 वर्ष से कम उम्र के जो माता पिता उनके बच्चों के माता पिता हैं उनको, इसलिए कि अगर मान लो जैसे विशेषज्ञ बता रहे हैं तीसरी लहर आती है तो कम से कम अभिभावक लोग सुरक्षित रहें, वो अपने बच्चों की देखभाल कर सकें। तीसरी लहर के लिए जो तैयारी, उसमें मुख्यमंत्री जी अपने पर्सनल, उनका जो व्यक्तिगत अनुभव है, जिसमें कि इंसेफ्लाइटिस पे पिछले 4 सालों में नियंत्रण पाया गया है, जो कि इंसेफ्लाइटिस से जो पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में होने वाली जो बच्चों की जो अनफॉर्चुनेट जो दुखद मृत्यु होती थी वो 95% घटी है। ये सारा जो अनुभव है उससे प्रेडिक्टिव ICU, नियोनेटल ICU, ये सभी जो है व्यवस्थाएं अभी से उसका नियोजन किया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए पूरी व्यवस्था उपलब्ध रहे, और संभावित तीसरी लहर से हम अपने जो है बच्चों को उनको संभालें, उनको बचा के रखें। ये ऑक्सीजन के बारे में ये बताना था कि प्रदेश में भविष्य में ऑक्सीजन की व्यवस्था में कठिनाई ना हो। देखिए, अभी सामान्यतः उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की मांग 350 मीट्रिक टन रहती थी, जो कि इस प्रकार की महामारी के समय में एक समय बढ़ के 1100 तक भी मीट्रिक टन तक भी ऑक्सीजन प्रदेश में सप्लाई की गई है। अभी आजकल जो है फिर से वो मांग जो है 450-450 मीट्रिक टन पर आ गई है, पर भविष्य में कोई कठिनाई ना हो, सभी अस्पतालों को प्रयास किया जा रहा है कि ऑक्सीजन के प्लांट लगाकर उनको वहीं स्थानीय स्तर पर ही ऑक्सीजन के साथ जोड़ा जाए, और लगभग 415 प्लांट ऑक्सीजन के जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, उनमें लगभग 61 प्लांट तो चालू भी हो गए हैं, बाकियों पर भी बड़ी तेजी से काम किया जा रहा है, और कोशिश की जा रही है कि अगले 3 महीने में ये सभी प्लांट लग कर चल पड़े, और हॉस्पिटल में जो भी अस्पतालों को ये साथ में लग रहे हैं वहाँ पर समुचित ऑक्सीजन की व्यवस्था रहे, ताकि अगर किसी प्रकार ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती भी है तो वो ऑक्सीजन को कहीं से मंगाना ना पड़े, ऑक्सीजन स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो जाए, वहीं पर ही उसको ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता ना पड़े। ये सारी व्यवस्थाएं मैंने आपको बताया, और अन्य प्रदेशों से भी ये फिगर्स के साथ मैंने आपको कंपेरिजन ये बताया कि जो उत्तर प्रदेश का एक विशेष जो मॉडल है वो एक अध्ययन का विषय है कि कितनी तेजी से जो है ये जो 3T और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो आंशिक कोरोना कर्फ्यू और वैक्सीनेशन, टीकाकरण और माननीय मुख्यमंत्री जी के दौरे, ये सब ने मिलकर जो है ये संक्रमण को न्यूनतम, संक्रमण को बहुत कम कर दिया है, लगभग 2000 से कम भी अब मामले आते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया जो है, इसके साथ साथ कोरोना का संक्रमण होने के बावजूद भी प्रदेश सरकार किसानों के लिए के हित में कार्य कर रही है, और किसानों से लगातार गेहूं खरीद का कार्यक्रम चल रहा है। अभी तक लगभग 39 लाख मीट्रिक टन, 393 लाख क्विंटल गेहूं खरीदा जा चुका है, जो कि पिछले। तो ये थे ACS सूचना नवनीत सहगल, जो कि उत्तर प्रदेश के लगातार किए जाने वाले कार्यों के बारे में जानकारी दे रहे थे, और वापस अपने कार्यक्रम की ओर लौटेंगे। धर्मेंद्र जी, हम बातचीत कर रहे थे कि जिस तरह से लोग नकली दवाएं या नकली माल बनाकर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके साथ क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है? क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ऐसे लोगों के खिलाफ हो रही हैं जो गलत तरीके से, अगर फौज उन्होंने कोई भी मेडिसिन प्रिपेयर की है और उसको यूज़ किया है या उसको उन्होंने सेल किया है, उसका बेनिफिट लिया है, तो इसमें IPC के सेक्शन 420, 467, 468, 471
के अंतर्गत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है, साथ ही साथ ट्रेडमार्क और कॉपीराइट के अंतर्गत उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, उनके खिलाफ रासुका की प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं। और इस तरह के लोग अगर गैंग बना के इस तरह की सप्लाई इधर करते हैं और उसका बेनिफिट लेते हैं, तो जो गवर्नमेंट के इस समय गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग ऐसे लोगों के खिलाफ गैंगस्टर की प्रोसीडिंग्स भी हो रही हैं। तो ये सारी प्रोसीडिंग्स जब इस तरह के लोगों के खिलाफ होंगी तो लोग इस तरह का अवैधानिक कार्य करने से बचेंगे। जीवन को सर्वाइव करने के लिए एक्चुअल मेडिसिन मिलने चाहिए, वो लोगों को मिलना प्रारंभ हो जाएगी। जी बिल्कुल, और इसी के साथ हमारे कार्यक्रम को हम यहीं पर विराम देंगे। आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें उसके लिए दिया, उसके लिए नमस्कार, धन्यवाद। और इसी के साथ अपने दर्शकों को भी बता दें लगातार कि आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हर रविवार 3 से 4 लगातार हम वकील आपका कार्यक्रम लेकर आते हैं, ताकि आप अपनी मुसीबतों को हमारे कार्यक्रम के माध्यम से दूर कर सकें। यदि आपकी कोई समस्या रह गई है तो आप अगले रविवार हमें कॉल कर सकते हैं। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर, 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 नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। मिलेगा हर समस्या का समाधान, विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान,